हेलो बाल दोस्तों, एडुक टेक्नो चैनल मा आपनु स्वागत छे। आजे आपने शिखीशु धोरण 8 विषय हिंदी, पाठ 5 सवाल बाल मन के, जवाब डॉक्टर कलाम के। पाठना अभ्यास अने स्वाध्याय प्रश्नों नी समझ मेळवीशु। पाठनो वीडियो तमे वीडियो ना डिस्क्रिप्शन मा तथा वीडियो ना अंते पण निहाळी शको छो। तो चालो शीखीए धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 5 सवाल बाल मन के, जवाब डॉक्टर कलाम के। पाठना अभ्यास अने स्वाध्याय प्रश्नों नी समझ। सौप्रथम आपणे अभ्यासना प्रश्नों नी समझ मेळवीए। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल नंबर 1, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो डॉक्टर कलाम से आप कौन-कौन से प्रश्न पूछते? तेना जवाब मा आपने लखी शकिए, यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होता तो डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछता। 1, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं? बीजो प्रश्न पूछू, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है? 3, कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जा रहा है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था? 4, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है? आवा बदा प्रश्नों पूछीश। तमारे तमारा मन में कोई बीजा सवाल उठता होय तो तमे ते पण लखी शको छो। सवाल नंबर 2, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तेना जवाब मा आपने लखी शकिए, कलाम जब 5वी कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा, इससे उन्होंने विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। सवाल नंबर 3, आपकी यादगार घटना बताइए। हूँ अहीं तमारा जेवा एक विद्यार्थीनी यादगार घटना लखू छू। तमारे तमारा जीवननी कोई यादगार घटना होय तो ते तमारे लखवानी छे। तेनो जवाब आपणे आ मुजब लखी शकीए। गर्मी की छुट्टियां थी, मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के पास नदी थी। मेरा बड़ा भाई अच्छा तैराक था। मैं भी नदी में तैरना चाहता था लेकिन डरता था। मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। इसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मेरे हाथ पांव चलने लगे और मैं किनारे तक आ गया। भाई ने कहा, डरते क्यों हो? इसी तरह पानी में हाथ पैर हिलाते रहो, डरो मत, डूबोगे नहीं। डूबने लगोगे तो मैं बचा लूंगा। बस फिर क्या था, मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिलाता रहा एवं इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगाता रहा। उसी दिन से मुझे तैरना आ गया। बचपन की वह घटना मैं कभी नहीं भूल सकता। सवाल नंबर 4, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तेना जवाब मा आपने लखी शकिए, आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। आ रीते तमारू लक्ष्य प्राप्त करवा तमे शू शू करो छो ते तमारे लखवानू छे। सवाल नंबर 5, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तमे कोई ने मुसीबत में जोईने शू करो छो ते लखवानू छे। हूँ अहीं तमारा जेवा एक विद्यार्थीनी वात लखू छू। किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। आ रीते लखी शकाय। हवे प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। એટલે કે અહીં આપેલો ફકરો સૌપ્રથમ તમારે શુદ્ધ રીતે વાંચવાનો છે અને પછી સુંદર અક્ષરોથી આ ફકરાને તમારી નોટબુકમાં લખવાનો છે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3,
बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा को या अंग्रेजी को, क्यों? तेना जवाब मा अपने लखी शकिए, बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। सवाल नंबर 4, अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो। अपने आसपास क्या देख रहे हो? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तेना जवाब मा अपने लखी शकिए, सन 2020 में देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए हैं। सड़क खूब चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीजें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे कम हो गए हैं। कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें भी छोटी कारें ज्यादा है। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त है। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां फर्राटे से दुपहिया वाहनों पर आ जा रही है। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिखता। यहाँ दो होटल है। इस समय दोनों होटल खचाखच भरे हुए हैं। एक होटल में एक रोबोट बेरे का काम कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। आ रीते तमे अनुमान लगावीने 2020 नी साल विषे लखी शको छो। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ। સવાલ નંબર 1, પઢે હુએ સે દેખા હુઆ જ્યાદા યાદ રહ જાતા હે, ક્યોં? તેના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ, દેખે હુએ દ્રશ્ય કા ચિત્ર મસ્તિષ્ક મે જ્યોં કા ત્યોં અંકિત હો જાતા હે। પઢને સે કેવલ મન મે કાલ્પનિક ચિત્ર બનતા હે। કલ્પના મે વહ સચ્ચાઈ નહીં હોતી જો યથાર્થ મે હોતી હે। इसीलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। सवाल नंबर 2, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तेना जवाब मा आपने लखीशु, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसीलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। सवाल नंबर 3, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? तेना जवाब मा आपने लखी शकिए, चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती में क्या है, आवु पूछू हतु। सवाल नंबर 4, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तेना जवाब मा अपने लखीशु, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। सवाल नंबर 5, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तेना जवाब मा आपने लखीशु, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। हवे प्रश्न नंबर 2, मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, जी तोड़ मेहनत करना, तेनो अर्थ थशे बहुत मेहनत करना। तेनो वाक्य बनावी शकाय,
यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। बे, महारत हासिल करना, तेनो अर्थ थशे योग्यता प्राप्त करना। तेना पर थी वाक्य बनावी शकाय, हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेना चाहिए। हवे प्रश्न नंबर 3, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। अहीं केटलाक वाक्यो आपेला छे, आपेला वाक्योनो उपयोग करीने आपणे एक वार्ता बनाववानी छे। तो चालो आपणे वार्ता लखीए। वार्ता आ मुजब लखी शकाय। वार्तानुं शीर्षक थशे ना समझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा अविचार का परिणाम। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूरी पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था। वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वहीं ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। आ वार्ता परथी आपणने शीख मळे छे कि बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। आ रीते आपणे आपेली रूपरेखाने आधारे वार्ता लखीशुं। हवे प्रश्न नंबर 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। अहीं एक फकरो हिंदीमां आपेलो छे। आ फकराने आपणे वाँचवानो छे अने तेनो मातृभाषामां एटले के गुजरातीमां अनुवाद एटले के भाषांतर करवानुं छे। तो चालो आपणे गुजराती अनुवाद करीए। आपणा माटे संसारमां सौथी वधारे मूल्यवान आपणुं शरीर छे। शरीर द्वारा ज आपणे बधा काम करीए छीए, माटे शरीर स्वस्थ रहे ते खूब जरूरी छे। शरीरने स्वस्थ राखवा माटे कसरत करवी जरूरी छे। कसरतथी शरीर मजबूत अने सुडोल बने छे। दरेक अंगमां स्फूर्ति आवे छे। मारे अहीं स्फूर्ति लखवामां भूल थई छे, त्यां तमारे स्फूर्ति लखवू। दरेक अंगमां स्फूर्ति आवे छे, शरीरमां आळस रहेती नथी। आ रीते आपणे आપેલા હિન્દી ફકરાને ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરીશું। અહીં આપણો સ્વાધ્યાય પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 થી 8 ના તમામ વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના વિડિયો જલ્દીથી આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ થશે। થેન્ક યુ દોસ્તો, એડ્યુકેકનો ચેનલ તરફથી વિડિયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડિયોઝ નિહાળવા માટે અમારી YouTube ચેનલ એડ્યુકેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। આભાર દોસ્તો।